अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में ओप्पो A92 खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ओप्पो A92 एक ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको दो खराबियाँ मिल जाती हैं जो कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको इस मोबाइल की जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इस मोबाइल में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले इस मोबाइल में आपको डिस्प्ले के लिहाज से बात कर लेते हैं। IPS डिस्प्ले मिल जाती है 6.5 इंच की, एक IPS पैनल है जिसमें आपको पंच होल डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। ये एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला पैनल है और इसमें आपको 480 निट्स ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो ये जो डिस्प्ले इसकी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी ज़बरदस्त है। इंटरनल्स की बात करें, इस मोबाइल में आपको 8 GB की रैम मिल जाती है, 128 GB की स्टोरेज मिल जाती है जो कि मोर देन इनफ है, यानी कि रैम के हिसाब से देखें, रोम के हिसाब से देखें। हाँ, जिसमें आपको प्रोसेसर मिलता है वो एक बजट रेंज के रिस्म का प्रोसेसर मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 665 एंड्रीनो 610 GPU के साथ। उसके अलावा इस मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है, कलर ओएस 7.1 देखने को मिल जाता है। अगर हम कैमरों की बात करें तो इस मोबाइल में आपको बैक साइड के ऊपर 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 48 MP का इसमें आपको मेन सेंसर मिलता है, 8 MP का इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 MP का मैक्रो और 2 MP इसमें आपको ब्लैक एंड वाइट सेंसर यानी कि डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो सिंगल कैमरा मिल जाता है पंच होल के अंदर, वो आपको 16 MP का मिलता है। इस मोबाइल में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, उसके अलावा इसमें आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। तो सवाल ये है कि इसमें आपको ख़राबियाँ क्या क्या मिलती हैं। अब देखें, इसमें आपको प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है, बैटरी अच्छी मिल जाती है, कैमरे भी अच्छे मिल जाते हैं, डिस्प्ले भी अच्छी मिल जाती है। तो सबसे जो पहली इसमें ख़राबी आती है वो इसमें प्रोसेसर की ही है। इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन 665 मिलता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन आपको जो बाकी कंपनियाँ हैं मिसाल के तौर पर रियलमी 5i हो गया, वो आपको 22,000 में यही प्रोसेसर दे रहे हैं, जबकि ये मोबाइल आपको पाकिस्तानी मार्केट में 40,000 रुपये में मिलता है। तो आधी कीमत में भी आपको यही प्रोसेसर मिलता है और आधी कीमत यानी कीमत डबल करके भी आपको वही प्रोसेसर मिलता है। तो आप देख लें कि आपको जो 40,000 में ओप्पो परफॉर्मेंस दे रहा है वो आपको 20,000 रुपये वाली परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब 20,000 में ये प्रोसेसर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रोसेसर है, लेकिन 40,000 में इससे कहीं ज़्यादा बेहतर आप प्रोसेसर आपको देने को मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर स्नैपड्रैगन 712 मिल जाता है रियलमी 5 प्रो में, स्नैपड्रैगन 720 मिल जाता है आपको रेडमी नोट 9S और रेडमी नोट 9 प्रो में। उसके अलावा रियलमी 6 में आपको मीडियाटेक का हीलो G90T मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। तो ये जो प्रोसेसर है ये 20,000 वाला प्रोसेसर आपको 40,000 में दे रहे हैं। अब जिस मोबाइल में आपको दूसरी बड़ी ख़राबी मिल जाती है वो इसकी कीमत है। एक तरफ आप प्रोसेसर दे रहे हैं 22,000 वाला और आपने इसकी कीमत रखी है 40,000 रुपये, वट एवर जो भी, अगर ओप्पो जो है अपने ब्रांड के हिसाब से भी इसकी कीमत रखते तो 25-30,000 के दरमियान आनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं बनती, लेकिन ओप्पो ने इसकी कीमत रखी है 40,000 रुपये और 40,000 में आपको 22,000 वाला प्रोसेसर दे रहे हैं। हाँ, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको परफॉर्मेंस वगैरह से कोई इशू नहीं है, उनको जो भी मोबाइल मिल जाए वो ले लेंगे, तो फिर ये मोबाइल आपके लिए बेहतरीन है। आप 40,000 के आप 60,000 इसके दे दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको कीमत के हिसाब से परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप ये मोबाइल बिल्कुल ना लें। इसी कीमत में आपको रेडमी नोट 9S मिल जाता है, रियलमी 6 मिल जाता है, तो आपको रेडमी नोट 8 प्रो भी मिल जाता है, तो वो आपको बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ आप 20-22,000 में जो आपको अगर यही प्रोसेसर चाहिए तो फिर आप 20-22,000 में रियलमी 5i मिल जाता है, रियलमी 5 मिल जाता है, रेडमी नोट 8 मिल जाता है, सब में यही प्रोसेसर मिल जाता है, और रेडमी 9 भी मिल जाता है आपको दूसरा प्रोसेसर के साथ, लेकिन वो अच्छा मोबाइल है, और फिर रियलमी C3 भी मिल जाता है। मतलब कहने की बात यह है कि आपको जो चीज़ 40,000 में मिल रही है वही चीज़ दूसरी कंपनी आपको 22,000 में दे रही है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप 40,000 रुपये देकर ये फ़ोन लें, या फिर आप 22,000 में वो फ़ोन लें, या फिर कोई और इससे बेहतर फ़ोन ले लें। तो ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बुले बुले।